अभी हम आपको कबड्डी के बारे में बताएंगे जो है फंडामेंटल स्किल्स ऑफ कबड्डी कबड्डी इज ए रेडिंग एंड डिफेंडिंग गेम देआर फोर इट्स स्किल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ए रेडिंग स्किल्स बी डिफेंसिव स्किल्स यानि कि फंडामेंटल स्किल्स जो है कबड्डी का वो दो भाग में डिवाइड किया जाता है एक रेडिंग स्किल में और दूसरा डिफेंडिंग स्किल जिसको आप डिफेंसिव स्किल कर सकते हैं रेडिंग स्किल्स को आप ऑफेंसिव स्किल भी आप कर सकते हैं इसलिए इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं पहला है रेडिंग स्किल्स अब रेडिंग स्किल्स में कौन कौन सा आता है वो आप देखेंगे पहला है स्टार्टिंग ए रेट ए रेडर शुड ऑलवेज स्टार्ट हिज रेड फ्रॉम वन साइड ऑफ द अपोनेंट कूट बिकॉज बाय डूइंग सो ही कैन कीप एन आई ऑन द मूवमेंट ऑफ ऑल द एंटीज ए रेडर शुड ट्राई टू इंटर फ्रॉम द वीकर साइड ऑफ द ओपोनेंट्स फॉर्मेशन यानी कि रेडर को जो है वो एक साइड से इंटर करना चाहिए कोर्ट में ओपोनेंट कोर्ट में जिससे कि वो पूरे ओपोनेंट्स पर अपने आंखों को टिका सके यानी पूरे ओपोनेंट्स पे ध्यान रख सके जिससे वो उसके होल्ड में कैच में नहीं आ सके और रेडर को चाहिए कि वो जो ओपोनेंट्स का वीकर साइड है यानी कमजोर जिधर साइड है उधर से वो इंटर करे जिससे वो पॉइंट लेने में उसको इजी रहेगा और वो इजी से पॉइंट लेकर वो अपने कोर्ट में सेफली वापस आ सकता है नेक्स्ट है बॉडी पोजीशन इन रेट यानी कि आपका ड्यूरिंग रेड आपका बॉडी का पोजीशन किस टाइप से होगा ड्यूरिंग ए रेड द रेडर शुड मूव बाय कीपिंग वन फुट हेड ऑफ द अदर नीज बेन्ड एंड बॉडी लेनिंग फॉरवर्ड

पेंडुलम पे की, की तरह होना चाहिए और बॉडी का जो है एक पैर आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ होना चाहिए बॉडी थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ होगा और बॉडी का वेट जो है वो इक्वली दोनों पाव पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा जिससे कि वह वो, वो जब एंटीज उसे कैच करने लगे तो वो इजीज से वो अपने सेंटर लाइन की तरफ यानी अपने कोर्ट की तरफ वो जा सके और अपना आँख, वो जो है अपना ध्यान वो एंटीज की तरफ पूरा उसको रखना चाहिए नेक्स्ट है बॉडी सॉरी मूवमेंट्स डूरिंग रेड ए Radar should keep on moving across the opponent's court so that the defender may not be able to plan their move. He should move from one side to another, running blindly towards another corner should be always avoided. Yani ki wo ब्लाइंडली यानी बिना देखे हुए इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जाने में उसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो बैक साइड से वो पकड़ा जाएगा चैन के माध्यम से उसे कैच किया जा सकता है इसलिए जो मूवमेंट है वो रेडर का पेंडलम की तरह होना चाहिए जिससे कि वह दोनों साइड में वो अपना ध्यान रख सके और एंटीस के मूवमेंट का उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए डॉजिंग शुड बी यूज इफेक्टिवली इन ए रेड डॉजिंग जो है वो पूरी तरह से वहां पर यूज करना चाहिए प्रिटेंडिंग टू मूव इन वन डायरेक्शन बट अटैकिंग एंड एंटी इन द अपोजिट डायरेक्शन हेल्स द रेडर टू स्कोर प्वाइंट यानी कि जो डोजिंग है डोजिंग देना चाहिए यानी प्रिटेंडिंग टू मूव यानी दिखाना चाहिए कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन अटैक जो है वो एंटीज को दूसरे डायरेक्शन में करना चाहिए जिससे कि जो एंटीज है वो धोखा खा जाते हैं और हम जो रेडर जो है वो पॉइंट स्कोर करने में वो सक्सेस हो जाता है नेक्स्ट है आपका टचिंग विथ हैंड ए रेडर में टच एन एंटी और एंटीज विथ हैंड और फिट इन ऑर्डर टू पुट आउट जब रेडर ओपन कोर्ट में जाता है तो वो अपने हाथ से या पैर से एंटीज को आउट करने का प्रयास करता है पुटिंग आउट एंड एंटीज और एंटीज बाय यूजिंग हैंड्स में बी डन इन द फॉलोइंग देज यानी कि हाथ से जो टच करता है या पाओ से जो टच करता है वो इस प्रकार टच करता है तो उसमें पहला है ए रेडर में टच एन एंटी विथ एन अपवर्ड और डाउनवर्ड स्विंग ऑफ द हैंड ए रेडर क्या करता है कि अपने हाथ को अपवर्ड और डाउनवर्ड यानी ऊपर नीचे करके वो टच करने का प्रयास करता है जिसको दिस टाइप ऑफ टच इज कॉल्ड स्विंग टच यानी वर्टिकल आर्म स्विंग टच इसको कहते हैं जिससे कि रेडर के हाथ में अपवर्ड और डाउनवर्ड करने से हाथ का मूवमेंट होता है जिसमें कि एंट्रीज उसको पकड़ने का अगर प्रयास करेगा तो वो उसके पकड़ में नहीं आएगा और वो इज आउट हो जाएगा नेक्स्ट आता है यहाँ पर अनदर वे ऑफ टचिंग एंड ए होरिजेंटल स्विप ऑफ द यानी दूसरा है कि आप ऊपर देखें कि वो अपवर्ड और डाउनवर्ड यहाँ पर होरिजेंटल स्विंग आर्म का करेगा और एंट्रीज को आउट करने का प्रयास करेगा द रेडर शुड परफॉर्म सच मूवमेंट बाई ए सडन एक्सटेंशन ऑफ ऑफ द आर्म एंड वन फुट प्रॉपर टाइमिंग ऑफ सच ए मूव इज इम्पोर्टेंट अदरवाइज ए रेडर एक्सटेंडेड आर्म और लेग कैन बी कॉर और ये जो है अचानक से वो क्या करेगा ऑरिजेंटल स्विंग करेगा जो अपना एक्सटेंशन ऑफ आर्म हाथ को आगे की तरफ बढ़ाते हुए और पैर को बढ़ाते हुए वो और एंटीज को टच करने का प्रयास करेगा लेकिन वो इसका ध्यान रखेगा कि उसकी टाइमिंग सही होनी चाहिए यानी कि जब रेडर और एंटीज के बीच में कम फासला हो तो ये प्रयास करना चाहिए एक्सटेंशन आर्म और लेग को एक्सटेंड करके उसे आउट किया जा सकता है नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टचिंग विथ फिट लाइक हैंड्स फिट कैन बी यूज फॉर पुटिंग आउट एंड एंटी यानी कि हाथ की तरह हम क्या करते हैं रेडर पैर का भी इस्तेमाल करता है उसे एंटीज को आउट करने के लिए डिफरेंट मेथड ऑफ टचिंग एंड एंटी आर एस फॉलोस अब यहाँ इसके जो हाथ से आपने टचिंग किस तरह से करते हैं वो देख लिए अब हम देखेंगे कि पाओ से जो हम टच करते हैं वो किस टाइप से हम किस किस तरह से हम टच कर सकते हैं इसको हम अब आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे धन्यवाद